हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कुक विद हेमा में। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं विंटर सीजन की बहुत ही खास रेसिपी, गाजर का हलवा। गाजर का हलवा तो आपने बहुत बार खाया होगा, लेकिन ये एकदम हलवाई जैसा और एकदम शादियों में बनने वाला हलवा है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमने गाजर को पहले छील लिया, छीलने के बाद धुल लिया और उसके बाद ग्रेट कर लिया। तो ये हमने 1.5 किलो गाजर लिया है। तो इसके लिए हमने कढ़ाई गैस पे चढ़ा दी है, गैस की फ्लेम को ऑन कर दिया है और इसमें हमने 50 ग्राम घी डाल दिया है। घी हमने 50 ग्राम अभी डाला है और 50 ग्राम घी हम बाद में डालेंगे। तो यानी टोटल हम घी हमने 100 ग्राम लिया है। घी मेल्ट हो गया है और ये घिसी हुई गाजर जो है इसमें हम डाल देते हैं। जो गाजर घिस नहीं पाई थी तो उसको हमने चाकू से छोटे छोटे पीसेस में काट दिया है। डालने के बाद हम अच्छे से इसमें चला देंगे, जिससे घी जो है वो अच्छी तरीके से पूरी गाजर में मिक्स हो जाए और कढ़ाई ऊपर तक भर ना जाए। इस वजह से हमने थोड़ी गाजर पहले डाली थी और थोड़ी गाजर हमने अब डाल दी है। अब इसको हम 3-4 मिनट तक अच्छे से घी में भून लेंगे। घी पहले डालने से जो हलवा होता है वो बहुत अच्छा बनता है, उसमें काफ़ी शाइनिंग रहती है। तो ये 3-4 मिनट हो चुके हैं, भुन गया है। तो ये हमने 1 लीटर दूध लिया है और ये दूध हम इसी में डाल देंगे। दूध में डाल देने से जो हलवा का टेस्ट होता है वो बहुत अच्छा आता है और एकदम जैसे हलवाई लोग बनाते हैं, शादियों में हलवा बनता है, एकदम वैसा ही बनता है। थोड़ा सा टाइम तो ज़रूर लगता है इस तरह से हलवा बनाने में, लेकिन इसका जो स्वाद होता है वो एकदम अलग होता है। इस तरीके से गाजर को हमको इतनी देर तक पकाना है कि सारा दूध जो है इसमें एब्जॉर्ब हो जाए। तो ये सारा दूध इसमें एब्जॉर्ब हो गया है, यानी कि दूध पूरा सोख लिया है। और अब हम इसमें चीनी डाल देंगे। तो चीनी हमने 1.5 कप ली है, ये 1 कप और ये 0.5 कप चीनी, यानी कि 1 किलो गाजर में कम से कम 200 ग्राम से 250 ग्राम तक चीनी हम इसमें डाल देंगे। चीनी डालने के बाद ये जब मेल्ट होती है चीनी तो काफ़ी पानी छूटता है और ये फिर से गीला हो जाता है। तो हमको इतनी देर तक भूनना है कि इसमें पानी बिल्कुल भी ना रहे, क्योंकि अगर गाजर के हलवा में पानी थोड़ा सा भी रहेगा तो उसका टेस्ट एकदम अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरह से हम भूनते जाएंगे और ये इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आप इसको लगातार चलाते रहें, नहीं तो ये तली में लग जाएगा तो ये जल जाएगा, तो इसका जो टेस्ट होगा वो ख़राब हो जाएगा। तो इसका पानी एकदम सूख गया है, जो चीनी हमने डाली थी वो एकदम एब्जॉर्ब हो गई है। तो इसमें जो घी हमने बताया था कि 50 ग्राम हमने पहले डाला था और जो बाकी का बचा घी था वो हमने अब डाल दिया है। तो थोड़ा घी जब बाद में डालते हैं तो हलवा का कलर जो होता है वो बहुत ही अच्छा आता है। अब देखिए कितना सा बढ़िया सा कलर आया है, इसमें हमने कोई कलर नहीं यूज़ किया है और ये कितना अच्छा कलर आया है। घी अच्छे से मिक्स हो गया है। घी डालने के बाद हम इसको 2-3 मिनट तक और भून लेंगे। ये भून गया है तो अब इसमें हम मावा डाल देंगे। तो ये मावा हमने 1/2 kg लिया है। मावा डाल देने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपके पास मावा नहीं है तो आप यहाँ पर दूध की मलाई भी डाल सकते हैं। तो हमने 1/2 मावा जो था वो अभी डाल दिया है। मावा डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब बारी आती है ड्राई फ्रूट की। तो ये हमने काजू, बादाम और किशमिश लिए हैं। तो ये तीनों चीज़ें हमने 50-50 ग्राम ली है। तो बादाम को हमने काट लिया है, बाकी चीज़ों को हमने ऐसे ही डाल दिया है। तो थोड़े ड्राई फ्रूट हम अभी डालते हैं, थोड़े ड्राई फ्रूट हम अभी बाद में डालेंगे, क्योंकि बिना ड्राई फ्रूट के तो गाजर का हलवा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए ड्राई फ्रूट इसमें थोड़े ज़्यादा ही डालिए। और ये हलवा बनकर के एकदम तैयार हो गया है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, एकदम हलवाई स्टाइल ही बना है। तो अब बारी आती है इसको सर्व करने की और गार्निश करने की। तो इसको हमने एक बाउल में निकाल लिया है। ये दोस्तों अपने घर में एक बार ज़रूर बनाइएगा, ये बहुत ही बढ़िया और बहुत ही टेस्टी बनता है। तो हमने बाउल में निकाल लिया है और जो बचा हुआ मावा था उसको हमने ऊपर से डाल दिया है और ऊपर से काजू, बादाम, किशमिश, पिस्ता सब चीज़ें डाल करके इसको हम गार्निश कर देंगे।
तो ये देखिए एकदम हलवाई स्टाइल, एकदम शादियों वाला हलवा बन करके तैयार हो गया है। तो दोस्तों इस रेसिपी को आप इस विंटर सीजन में ज़रूर बनाइए, क्योंकि ये विंटर सीजन की खास रेसिपी है। अगर हमारा वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए ईट हेल्दी थिंक हेल्दी।